Olé, olé, olé. टेक रिपोर्ट में मिराज आपका अपना रिपोर्ट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम आपके लिए प्रोडक्ट लेके आए हैं वो है ब्लापंक्त का SBA पार्टी साउंड बार। ये है वो साउंड बार, इसके काफी रिव्यूज मैंने Amazon पे पढ़े हैं। आज हम इसे अनबॉक्स करने वाले हैं आपके लिए और आपको बताएंगे इज इट वर्थ द प्राइस इन मनी और नॉट। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और आपको बताते हैं प्रोडक्ट कैसा है। सो दोस्तों ये है हमारा ब्लापंक्त का SBA पार्टी साउंड बार। मैं ये थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाऊं तो ये जो साउंड बार है ये गेमिंग पर्पजेस के लिए यूज होती है। इसके अंदर जो है वो अलग अलग तरह की कलरफुल लाइट्स आती हैं, RGB लाइट्स। यदि मैं फर्दर आपको दिखाऊं तो ये एक तरह का मोबाइल स्टैंड भी है। इसके अंदर 2000 mAh की बैटरी है, एक FM रेडियो भी इनबिल्ट है, TWS फंक्शन है विच इज ट्रू वायरलेस स्टीरियो साउंड, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक माइक स्लॉट भी है। इसका जो यहाँ पे कोटेड प्राइस है वो है 3,999 rupees। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यदि आप Amazon से परचेज करना चाहें तो। ये मुझे काफी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे मिली, उस टाइम Amazon के ऊपर एक सेल चल रही थी और मुझे सिर्फ 1800 अप्रोक्सीमेटली कुछ पड़ा था। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस साउंड बार अंदर से कैसी है, इसके फीचर्स कैसे हैं और हमारा अपना एक्सपीरियंस इसको लेके कैसा रहा। तो देखिए हम इसे यहाँ से ओपन करते हैं और निकालते हैं अपनी साउंड बार। थोड़ा सा ये हैवी पैकेट है, ये मैं आपको बता दूं क्लियरली, हल्की सी हैवी है लेकिन अच्छी बात है, हैवी है तो शायद इसके फीचर्स भी अच्छे होंगे। इसके साथ हमें ये एक बुकलेट मिलती है जिसके अंदर जो इसके फंक्शंस हैं और बेसिक मैनुअल ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो है। अंदर कुछ और नहीं है, ये एक ब्लापंक्त का छोटा सा स्टिकर मिला है जिसके पीछे स्कैनिंग कोड है। इसकी बात करें तो ये नॉर्मल USB केबल है और जिसमें फ्रंट की तरफ टाइप ए चार्जिंग के लिए है। इसके यूजुअल जो आपके स्पीकर्स होते हैं उनसे हल्का सा ये आई वुड से हैवी है, तो उसकी वजह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये है इसका फर्स्ट लुक, काफ़ी प्यारा है, काफ़ी ग्लॉसी लुक है। जो ये है, ये है आयरन की ग्रिल सामने की तरफ, यहाँ पे जो है वो इसका ग्लॉसी फ्रंट है। यदि हम टॉप की बात करें तो इसके ऊपर ये इस तरह की मैट फिनिश है। सबसे पहले लाइट के लिए बटन है, फिर मोड, फिर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे प्ले एंड पॉज। ये जो है हमारा एंटीना है। साइड की यदि हम बात करें तो एकदम क्लीन डिज़ाइन है। बैक यदि मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे माइक के लिए स्लॉट है। बहुत रेयरली मैंने किसी स्पीकर के अंदर माइक के लिए स्लॉट देखा है, तो ये देखिए ये माइक के लिए स्लॉट है, यहाँ पे USB है, यहाँ पे SD कार्ड है और ये चार्जिंग के लिए स्लॉट है। साथ में इसके LED लाइट इंडिकेटर है। बाकी क्लीन डिज़ाइन है। एट द बॉटम सिर्फ एंटी स्किड पैड्स हैं और कुछ नहीं है। यदि हम इस तरफ की भी बात करें तो एकदम क्लीन डिज़ाइन है। चलिए इसको टर्न ऑन करने के लिए सबसे पहले इसके पीछे बटन है, हम उसे ऑन करते हैं। लवली, इसका जो लुक है वो तो बहुत ही प्यारा है और सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो ब्लूटूथ फंक्शन है। ब्लूटूथ तो हम इंटीग्रेट करेंगे ही, मैं आपको एक म्यूजिक के लिए इसके अंदर FM चला के दिखाता हूँ। FM को ट्यून इन करने के लिए जो इसका सेकंड बटन है जिसपे प्ले और पॉज है उसको आपको 30 seconds प्रेस करके रखना है और अब ये जो है वो ऑटो ट्यून कर रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका FM का आउटपुट था। इसका FM का आउटपुट जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ फिलहाल जो है हम घर के अंदर हैं तो रेंज के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, लेकिन इसका ब्लूटूथ और इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करने के लिए हमने इसको ब्लूटूथ के साथ इंटीग्रेट किया है। देखिए जो फ़ोन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा जाता है और जो एंटेना है इसके बैक सपोर्ट का काम करता है ऐसे। तो ये जो क्रेडल है ये कुछ ऐसा क्रेडल नहीं है जो बाय डिफॉल्ट बाय डिज़ाइन दी गई है, बस एक क्रेडल के नाम पे मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक सिर्फ एक लाइन दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन है। इस लाइन के ऊपर आपको फ़ोन कुछ इस तरीके से रेस्ट करवाना है और पीछे की तरफ आपको एंटीना कुछ ऐसे करना ही पड़ेगा टिल्ट ताकि वो सीधा आ सके और आप यहाँ पे अब अपनी मूवी देख सकते हैं। साथ में नीचे स्टीरियो साउंड का वो काम करेगा।
चलिए मैं आपको तो एक ट्रैक चला के दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो पाएगा ये इसका साउंड कैसा है। ये जो आप सुन रहे हैं ये पूरा का पूरा 20 वॉट का साउंड है, इसको मैंने मैक्सिमम पे फिलहाल किया है और ये 20 वॉट का साउंड जो है अपना पूरी के पूरे हाई वॉल्यूम फुल वॉल्यूम पे है। चलिए मैं इसे प्ले करता हूँ और आपको सुनाता हूँ। देखिए आपने सुना इसका टोटल साउंड आउटपुट कैसा है। अब चलिए इसके वर्डिक्ट की बात करते हैं। इसके अलावा मैं आपको दो चीजें और इसके बारे में बताना चाहूंगा। जो इसकी लाइट्स हैं इनको आप तरह से एक तरह से कह सकते हैं डांसिंग लाइट्स हैं। अब जब भी आप इसके बटन को दबाएंगे इसका एक मोड चेंज होगा। देखिए जैसे अब मैंने दबाया तो जो ये इसका इफेक्ट जो देख रहे हैं आप सर्कुलर आ रहा है। मैं दोबारा यदि इसको प्रेस करूंगा तो अब जो इसका इफेक्ट है वो डांसिंग लाइट टाइप का आ रहा है। यदि मैं तीसरी बार प्रेस करूंगा तो जो है वो एकदम स्टैंड स्टिल हो गई है, लेकिन उसकी जो वेरिएशंस देख रहे हैं आप, ग्रेडियंट्स देख रहे हैं वो आ रहा है। और जब आप इसे लॉन्ग होल्ड प्रेस करके रखेंगे तो वो बंद हो जाएगी। इसका आउटपुट बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मुझे आपको इसके वर्डिक्ट में दो चीज़ें क्लियर कट बतानी है कि इसका जो साउंड आउटपुट है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। आप आँख बंद करके इसे परचेज कर सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से बोथ इसका बेस और इसका ट्रेबल आउट ऑफ द वर्ल्ड है और एज अ साउंड बार, बट एट द सेम टाइम आप इसे स्पीकर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके एफएम रेडियो में भी कोई कमी नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट डील। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज है जो इसका डील ब्रेकर है, बिकॉज हर चीज इसके बारे में अच्छी नहीं हो सकती। तो जो चीज मुझे इसमें एक कमी लगी या खामी लगी आप कह सकते हैं, जो हम ट्रू टेक रिपोर्टर में आपको बताना चाहेंगे, वो इसकी बैटरी लाइफ। एब्सोल्युटली जहां तक कनेक्टिविटी की बात हम करें, जैसे मैं आपको दिखा ही चुका हूं पहले, वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन दैट आई हैव एवर सीन। माइक है, सब कुछ है इसके अंदर, यूएसबी एसडी। हम यहां बात करें तो ओवरऑल साउंड आउटपुट की बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑसम है, लेकिन जो बैटरी है वो बहुत बड़ा डील ब्रेकर है। इसका जो क्लेम है वो है कि 7 घंटे का नॉन स्टॉप म्यूजिक देता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आधे घंटे भी यदि चला दे इसको तो बहुत बड़ी बात है इस साउंड आउटपुट पे, फुल साउंड आउटपुट पे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने इसे 50% पे चार्ज किया था और उसके बाद ये गाना लगाया था। कितने सेकंड्स ये गाना चला होगा, बैटरी घट के 10% रह गई। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कितनी देर बैटरी पे इसको चलाएगा। तो आप इसको यदि सोच रहे हैं कि आप चार्ज करके इसे इस्तेमाल कर पाएंगे बाहर कहीं और म्यूजिक इंजॉय कर पाएंगे, एब्सोल्युटली नहीं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसको एक कॉन्स्टेंट पावर सोर्स के साथ आप इसे कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो जब तक आप इसे पावर सोर्स के साथ कॉन्टिन्यूसली कनेक्ट करके नहीं रखेंगे, ये जो है आपके चलते हुए म्यूजिक के बीच में रुक जाएगा और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बैटरी का जहां तक सवाल है वो एक डील ब्रेकर है। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं ट्रू टेक रिपोर्टर में कि आपको ऑनेस्ट रिपोर्टिंग दी जाए हर प्रोडक्ट की, जो हमारी अपनी असेसमेंट से गुजरे, ताकि आप हमारे एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकें और हम आपके किसी काम आ सकें और आपको वैल्यू ऐड कर सकें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इन्हीं छोटी छोटी कोशिशों से हमें बहुत उम्मीद और बहुत हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ये सच्चे और अच्छे प्रोडक्ट रिव्यू आपके लिए लेके आते रहेंगे। अब मुझे अलविदा दीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।